हाय दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज इज टैक्स फार्मूला MS Excel 2013। तो MS Excel 2013 में हम इज टैक्स का फार्मूला कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, मैं कुछ यहाँ पे कोई वर्ड टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नेम टाइप कर लेता हूँ, नेम डेविड 20, ऐसे ही या समझ लें सिंबल कुछ भी, ठीक है। और आगे डेट 20, आज 29 जुलाई है मेरे पास, या स्लैश कर लो उसके 29 जुलाई डैश GUL डैश 2015, ठीक है। एंटर किया, इसी तरह NS ये ठीक किया। अब ये देखें, ये मैंने कुछ भी ऐसे टाइप कर लेता हूँ जो आपके आपको दिखाना है कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसके लिए अब यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, सेल का विड्थ बढ़ा देता हूँ सेल की, और इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे एक तरतीब में नजर आए तो, या तो फिर इसको रेड कलर को दे देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, इस सेल का भी मैं थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं भी फार्मूला लगाता हूँ। फार्मूला कैसे लगता है, जैसे हमेशा से मैं आपको बताता हूँ कि इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है कोई भी फार्मूला। इसके अंदर आप लगाएंगे MS Excel में इज टैक्स, ये देखें इज टैक्स का फार्मूला आ गया, और ये बता रहा है चेक्स वेदर अ वैल्यू इज टैक्स एंड रिटर्न ट्रू आर फॉल्स। तो ये क्या करेगा कि अगर आपके सेल जो आप वैल्यू बताओगे, अगर तो आप वैल्यू बताओगे तो अगर वो टैक्स होगी तो वो आपको कहेगा ये ठीक है, ट्रू करेगा, और अगर जो टैक्स नहीं होगा गिनती होगी तो वो उसको बोलेगा ये फॉल्स है। तो इस टैक्स टैब को बटन प्रेस करूंगा, ये फार्मूला ऐड हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि वैल्यू दो, मैं इसको ये वैल्यू देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो ये कह रहा है ट्रू, क्योंकि ये टेक्स्ट है। इसी तरह दोबारा से फिर करके देखते हैं, इज इक्वल टू इज टैक्स, टैब का बटन प्रेस किया, सॉरी ये वाला, एंड अब मैं ब्रैकेट ना भी क्लोज करूंगा फिर भी काम चल जाएगा, एंटर प्रेस करूंगा, देखें अब ये फॉल्स बता रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है। अब मैं एक और तरीके से यूज़ करता हूं, दूसरे तरीके से, वो कैसे, फार्मूला में जाके चेक करते हैं, इंसर्ट FX फंक्शन इज टेक्स्ट। अब मैं गो पे जाता हूँ, नो यहाँ पे इस टेक्स्ट का फार्मूला यहाँ पे शो नहीं करवा रहा, इस टैक्स का फार्मूला इस टेक्स्ट, अभी करता हूँ देखते हैं आता है कि नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये ऐसे ही वहाँ यहीं, तो यहीं से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू इस टेक्स्ट, कुछ फार्मूले आते हैं कुछ नहीं आते उसमें, फार्मूला में FX फंक्शन में नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे तो याद है इस टेक्स्ट। और ये वैल्यू मैं देता हूँ इसको ये वाली, अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा, देखें ये कह रहा ट्रू। अब ये डेट के हवाले से चेक करते हैं, इज इक्वल टू इज टैक्स, टैब को अपने प्रेस किया, अब मैं डेट की देता हूँ और एंटर करूँगा तो ये कह रहा फॉल्स। चाहे इसमें कुछ भी है, जुलाई भी है टैक्स भी है, लेकिन इसने इसको फॉल्स ही करार दिया। अब इसको मैं फार्मूला को कॉपी कर लेता हूँ नीचे तक, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ये बता रहा है फॉल्स, ये ट्रू ट्रू, ये भी टेक्स्ट में आ रहा है इसलिए इसने इसको ट्रू बता दिया, ये क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है एंड है तो इसको इसने बता दिया ट्रू, और ये भी इसको भी ट्रू उसने बता दिया, ये क्योंकि टेक्स्ट में डैश इस्तेमाल होती है तो ये गिनती का अल्फाज है तो इसको इसने ये बता दिया कि ये गलत है। अभी यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, हैश का बटन प्रेस करके देखते हैं ये क्या कहता है, ये इसने कहा हैश भी ट्रू है, ये भी टेक्स्ट में इस्तेमाल होती है। तो इस तरह ये फार्मूला यूज़ होता है, अगर तो टेक्स्ट होगा तो उसको बताएगा ये ट्रू, अगर अगर टेक्स्ट नहीं होगा तो उसको बताएगा ये फॉल्स है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मसला परेशानी हो तो आप मेरी वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ, और आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब